ज्ञानवापी को लेकर एक तरफ देश में सर्वे चल रहा है, अदालत में बहस चल रही है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे साक्ष्य सामने आ रहे हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है, ज्ञानवापी दरअसल मंदिर है। जी हाँ, अब अमेरिका ने भी इस बात के साक्ष्य दे दिए हैं और जो अधूरी बात थी उसे पूरा कर दिया है। दरअसल अमेरिका के एक म्यूजियम में एक तस्वीर लगी हुई है जो 154 साल पुरानी है और इस तस्वीर को एक ब्रिटिश फोटोग्राफर सैमुअल बर्न ने खींचा था। ये तस्वीर दरअसल ज्ञानवापी की है और ज्ञानवापी के परिसर के अंदर आप देख सकते हैं जहां नंदी की तस्वीर है वहां आपको भगवान हनुमान जी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हनुमान जी की तस्वीर जो कि 154 साल पुरानी है ये नजर आ रही है ज्ञानवापी मस्जिद में, जिसे मस्जिद कहा जा रहा है, दरअसल वो एक मंदिर है। और इससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं तथ्यों से खिलवाड़ की गई है। एक पश्चिमी दीवार जो नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है इस दीवार के आसपास हनुमान जी की मूर्ति थी जो कि उनका रुद्र अवतार था और 154 साल पुरानी ये तस्वीर ब्रिटिश फोटोग्राफर सैमुअल बर्न ने ली थी। दरअसल ज्ञानवापी को लेकर 6 जुलाई को अब नई तारीख मिली है, 6 जुलाई को सुनवाई होनी है। इसी बीच एक बड़ा शिवलिंग जो कि 12 फीट का है वो भी वहां मिला है। तहखाने की तस्वीरें सामने आई हैं, गुम्बद नजर आए हैं, चित्र नजर आए हैं और तमाम सबूत नजर आए हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं मंदिर ही कहना चाहिए। हाल फिलहाल ये उन लोगों की पोल खोलने के लिए काफ़ी है जो लगातार प्रश्न उठा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम का नाम दे रहे हैं। दरअसल ज्ञानवापी एक ऐसा मंदिर है जो हिंदुओं का आस्थिक प्रतीक है और उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, एक प्राचीन मंदिर है। और जो तथ्यों की बात की जा रही थी, जिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात की जा रही थी, उनके आधार पर ब्रिटिश फोटोग्राफर की ये तस्वीर सामने आई है। इसने उस अधूरे दावे को पूरा कर दिया है और ये काफ़ी है बताने के लिए कि ज्ञानवापी कितना प्राचीन और भव्य मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी के साथ साथ भगवान शिव और बाकी देवता भी विराजमान थे, लेकिन इसे तोड़कर मस्जिद बना दिया गया, लेकिन दीवार तोड़ने की जहमत नहीं की गई। कई अन्य तथ्य हैं, तहखाने से लेकर नीचे मिला बड़ा शिवलिंग इस बात की गवाही देता है कि दरअसल इस प्राचीन मंदिर के साथ कितना बुरा बर्ताव किया गया, किस तरह से हिंदू समुदाय के एक प्राचीन धरोहर को न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि उसके ऊपर एक मस्जिद बना दी गई और सभी साक्ष्य छुपा दिए गए। हाल फिलहाल अमेरिका के म्यूजियम में लगी ये तस्वीर एक सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश की जा सकती है और साथ ही साथ इसका मिलान उन सभी तथ्यों से किया जा सकता है जो चार चिप रिकॉर्ड करके कोर्ट में पेश की गई हैं और 1500 फोटोग्राफ्स ली गई हैं। अगर उन सब से मिलान किया जाए और तथ्यों पर नजर डाली जाए तो ये बात साफ हो जाएगी कि दरअसल ज्ञानवापी एक मंदिर है जिसे मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर्वे के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं वो इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।